दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज इस वीडियो में 19 सितंबर 2020 के डेट में रिलीज किए गए 1 से 5 और 6 से 8 तक के मेधा सूची का आपको अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। और आज के डेट में मीन्स 19 सितंबर के डेट में टोटल जो है 21 जिलों के रिगार्डिंग अपडेट आया हुआ है। ओके, और आज जो है 6 से 8 तक के अपबंधिक मेधा सूची का 2 जिलों का अपडेट है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, देखिए ये है हमारी वेबसाइट naukrikollu.com और यहाँ से आप जो है सभी जो PDF है 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के मेधा सूची के रिगार्डिंग आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में आपको 3 लिंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लिंक जो है 1 से 5 तक के अपबंधिक मेधा सूची का है, दूसरा जो लिंक है 6 से 8 तक के अंतिम मेधा सूची का है, और तीसरा जो लिंक है 6 से 8 तक का अपबंधिक मेधा सूची का है। तो जो भी ज़रूरतें हो आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और इन तीनों पेज का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है डायरेक्टली जो है इन सभी पेज पर आप जो है रिडायरेक्ट हो पाएँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 6 से 8 तक के अपबंधिक मेधा सूची का जो अपडेट आया हुआ है 19 सितंबर के डेट में वो प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बात करें तो सबसे जो पहला अपडेट है ये भोजपुर जिला से है, यानी आरा जिला से। ओके, और यहाँ पे आएगा तो देखिए कौन नियोजन इकाई का अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो अजियाओं ब्लॉक है उसका अपडेट किया गया है 19 सितंबर के डेट में, और ये सभी PDF रहा है। मैथ और साइंस का यहाँ पे किया गया है। देखिए मैथ का यहाँ पे 4 पार्ट में है और सोशल साइंस का भी यहाँ पे 4 पार्ट में है। ओके, मैथ और सोशल साइंस का यहाँ पे अपडेट किया गया है। बात करें यहाँ पर अगले ज़िला की, तो अगला जो ज़िला है यहाँ पर दरभंगा है, और दरभंगा में देखिए यहाँ पर 6 से 8 तक के अपबंधिक मेधा सूची का जो अपडेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन से नियोजन इकाई हैं, ये जो नियोजन इकाई है यहाँ पर अली नगर ब्लॉक है। ओके, दरभंगा के अली नगर ब्लॉक का यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे ये सभी PDF है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज PDF दिया गया है। ओके, बात कर लेते हैं अब यहाँ पे हम 1 से 5 तक के अपबंधिक मेधा सूची के बारे में। ओके, तो 1 से 5 तक के भी टोटल यहाँ पे 21 जिलों के रिगार्डिंग अपडेट हैं। इसमें से जो सबसे पहला ज़िला है वो है अररिया ज़िला, जिसके रिगार्डिंग अपडेट आया हुआ है। और अररिया ज़िला में नीचे में आइएगा तो आज के डेट में देखिए ये सभी अपडेट है, वेरियस पंचायत का अपडेट है। ओके, यहाँ पे देखिए वेरियस पंचायत का अपडेट है 19 सितंबर के डेट में। देखिए जैसे कि पंचायत जयनगर हो गया, भरगमा ब्लॉक में पड़ता है, तो ऐसे आप चेकआउट कर लीजिएगा कौन कौन से पंचायत का अपडेट किया गया है अररिया ज़िला से। बात करें अगले ज़िला की, तो ये जो ज़िला है अरवल है, यहाँ पे देखिए वेरियस पंचायत का अपडेट आया हुआ है, साथ ही साथ नगर परिषद अरवल का भी अपडेट है आज ही के डेट का, यानी 19 सितंबर के डेट का। और यहाँ पे वेरियस पंचायत में देखिए पंचायत पूरन ब्लॉक कारपी का अपडेट है, फिर से पंचायत शेरपुर ब्लॉक का अपडेट किया गया है, तो ऐसे आप देख लीजिएगा शेरपुर का, और ये जो शेरपुर है सोनबरसा ब्लॉक में पड़ता है, तो आप ऐसे चेकआउट कर लीजिएगा किस किस पंचायत लेवल के नियोजन इकाइयों का अपडेट यहाँ पे किया गया है। ओके, बात करें अगले ज़िला की, तो अगला जो ज़िला है यहाँ पे औरंगाबाद है, और औरंगाबाद में यहाँ पे देखिए आज की डेट में यानी 19 सितंबर के डेट में यहाँ पे अपडेट मिलेगा 17 सितंबर 18 सितंबर और फिर यहाँ पे नीचे में आएगा तो 19 सितंबर। तो यहाँ पर वेरियस पंचायत का अपडेट किया गया है 19 सितंबर के डेट में, और पंचायत का नाम बोले यहाँ पे तो भरौंधा पंचायत का अपडेट है, बलिया पंचायत का अपडेट है, बैरवा पंचायत का अपडेट है, फिर यहाँ पे खैराबिंद पंचायत का अपडेट है, ऐसे करके बहुत सारे पंचायतों का अपडेट किया गया है, तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। देखते हैं सेकेंड पेज पर कौन से ज़िला है और उसका कौन सा जो है नियोजन इकाई का मेधा सूची आया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगला जो अपडेट है बेगूसराय ज़िला से है। ओके, और बेगूसराय ज़िला में नीचे में आएगा तो 19 सितंबर की डेट में आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से अपडेट है। देखिए ये जो अपडेट है कल का है यानी 18 सितंबर का है, यहाँ पे आइएगा तो 19 सितंबर का अपडेट है पंचायत अरवा का, जो बछवाड़ा ब्लॉक में पड़ता है उसका अपडेट है, फिर बछवाड़ा ब्लॉक का अपडेट किया गया है यहाँ पे। ओके, 1 से 5 और 6 से 8 तक के जनरल और उर्दू का, सॉरी 1 से 5 तक के जनरल और उर्दू का, और यहाँ पर वेरियस जो पंचायत है वेरियस नियोजन यूनिट ऑफ बलिया ब्लॉक, तो यहाँ पर पंचायत लेवल की जो नियोजन इकाइयाँ हैं बलिया ब्लॉक की उसका अपडेट यहाँ पर किया गया है, अलग अलग पंचायतों का अपडेट है, आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। ये सभी टोटल PDF रहा। ओके, तो आप देख लीजिएगा। बात करें यहाँ पे अगले जिला की, देखिए यहाँ पे ये भोजपुर जिला है, और भोजपुर जिला में आज के डेट में अपडेट किया गया है। देखिए भोजपुर जिला से जो ठाकुरी पंचायत है उसका अपडेट है 19 सितंबर के डेट में, और ये सभी PDF रहा। साथ ही साथ नगर पंचायत जगदीशपुर का अपडेट है भोजपुर से, फिर अजियाओं ब्लॉक का अपडेट किया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। 1 से 5 तक का ओनली उर्दू का अपडेट है अजियाओं ब्लॉक से, तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगले ज़िला के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला जो ज़िला है यहाँ पर दरभंगा है, यहाँ पर देखिए दरभंगा ज़िला है, और दरभंगा ज़िला में ये जो अपडेट है यहाँ पर देखिए अली नगर ब्लॉक का अपडेट किया गया दरभंगा जिला से, साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान का है, कुशेश्वर स्थान जो ब्लॉक है उसका अपडेट है, तो ये अपडेट किया गया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें अगले ज़िला की, तो अगला जो ज़िला है ईस्ट चंपारण यानी मोतिहारी ज़िला है,
यहाँ पे अपडेट है आपको, वेरियस ब्लॉक यूनिट का अपडेट किया गया है यहाँ पे, ओके, यानी ईस्ट चंपारण जिला से। देखिए कल्याणपुर ब्लॉक का अपडेट है, फिर आइएगा यहाँ पे तो कल्याणपुर ब्लॉक का ही शायद दो पार्ट में किया गया है, तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हरसिद्धि ब्लॉक का अपडेट किया गया है, ओके, तो तीन यहाँ पे अपडेट आया हुआ है ईस्ट चंपारण से। बात करें अगले जिला की, तो अगला जो जिला है यहाँ पे गया जिला है, और गया जिला में देखिए अलग अलग पंचायत लेवल के नियोजन निकायों का अपडेट है, जैसे कि शेरघाटी यहाँ पे जो पंचायत है उसका अपडेट किया गया है। फिर नीचे में आएगा तो बाराचाटी जो पंचायत है उसका अपडेट है यहाँ पे 19 सितंबर के डेट में, ओके, तो ये दो अपडेट आज के डेट में किया गया है गया जिला से। बात करें अगले जिला की, देखिए ये जो अपडेट है जहानाबाद जिला से है, और जहानाबाद जिला में यहाँ पे 19 सितंबर के डेट में जहानाबाद प्रखंड का अपडेट आया हुआ है, साथ ही साथ काको प्रखंड का अपडेट है। फिर यहाँ पे गोनवा पंचायत का अपडेट किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए तो ये अपडेट है, और ये जो अपडेट है ऊपर वाला 18 सितंबर के डेट का है, तो आप इसे शायद देख लिए होंगे आप लोग अभी तक, ओके। यहाँ पे जहानाबाद प्रखंड हुलसागंज प्रखंड का अपडेट है आज ही के डेट का। फिर यहाँ पे वेरियस पंचायत का भी अपडेट है जहानाबाद जिला से, देखिए कौन कौन से पंचायत है, अमैन पंचायत, मानदे बीघा पंचायत, मुठेर पंचायत, और साथ ही साथ रतनी फरीदपुर जो प्रखंड पड़ता है उसका अपडेट किया गया है। यानी बहुत सारे पंचायतों का अपडेट आज कुल मिलाकर बोले तो आया हुआ है 18 सितंबर के डेट में भी, बहुत सारे पंचायतों का अपडेट और बहुत सारे जो ब्लॉक हैं उनका अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत पूर्वी काकू का भी अपडेट है 19 सितंबर के डेट में, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें अगले जिला की, तो ये जो जिला है कैमूर है, और कैमूर जिला से आज के डेट में अपडेट है, और ये देखिए ये जो अपडेट है यहाँ से है रामपुर ब्लॉक का अपडेट है 19 सितंबर के डेट में, और 18 सितंबर के डेट में कुदरा ब्लॉक का भी अपडेट आ चुका है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला अपडेट मधेपुरा जिला से है, और मधेपुरा जिला में 19 सितंबर के डेट में ये अपडेट है, देखिए कुमारखंड ब्लॉक का अपडेट है मधेपुरा जिला से। फिर मधेपुरा ब्लॉक का अपडेट है। फिर नीचे में आएगा तो जो चौसा ब्लॉक है मधेपुरा जिले में उसका भी ये अपडेट है। बिहारीगंज ब्लॉक का अपडेट किया गया है मधेपुरा जिला से। ये सभी पीडीएफ है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपको मधेपुरा जिला तक का अपडेट रहा, और आगे का अपडेट यानी आगे के जो भी जिला है उन सबका अपडेट देखने के लिए, जैसे कि मधुबनी और आगे के जो भी जिला है उनको देखने के लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको जो सभी जो मधुबनी जिला से लगाकर अल्फाबेटिकली मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आज की डेट में मधुबनी से भी अपडेट है, और मधुबनी से एक छोटा सा अपडेट आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या अपडेट है। जो लखनापुर जो ब्लॉक है उसके अंडर में एक पंचायत पड़ता है डीप वेस्ट, ओके, तो डीप वेस्ट जो पंचायत है उसका अपडेट किया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा 19 सितंबर के डेट में, ओके। बात करें अगले जिला की, तो अगला जो जिला है यहाँ पे मुंगेर जिला है, मुंगेर जिला से भी अपडेट है। यहाँ पे तारापुर मुंगेर जो ब्लॉक है उसका अपडेट है 19 सितंबर के डेट में। फिर वेरियस पंचायतों का भी अपडेट आया हुआ है मुंगेर जिला से। यहाँ पे देखिए दरियापुर वन पंचायत अग्रहा पंचायत का है, कौड़िया पंचायत का है, यहाँ पे रेटाइठा पंचायत का है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और बात करें अगले जिला की, तो ये मुजफ्फरपुर जिला से अपडेट है, और मुजफ्फरपुर जिला से बहुत सारे पंचायत लेवल के नियोजन निकायों का अपडेट यहाँ पे किया गया है। आपको दिखा देता हूँ कि 19 सितंबर के डेट में कौन कौन सा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। देखिए वेरियस नियोजन निकायों का अपडेट है, आप देख लीजिएगा, जैसे कि औराई ब्लॉक का अपडेट है यहाँ पे, क्लास 1-5 पार्ट 1 ऑफ पंचायत ऑफ औराई ब्लॉक। तो औराई ब्लॉक के अंदर में जो भी पंचायतें हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसे दिया गया है। अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे जो पंचायत है और बहुत सारे जो ब्लॉक लेवल की जो नियोजन इकाइयाँ हैं उन सब का अपडेट आया हुआ है। देखिए यहाँ से ये सभी अपडेट जो है मुजफ्फरपुर जिला से है, तो बहुत सारे अपडेट है मुजफ्फरपुर जिला से, तो आप इसे देख लीजिएगा। देखिए ये जो अपडेट है अगला रोहतास जिला से है, और रोहतास जिला में आइएगा तो देखिए यहाँ पे अपडेट है आपको वेरियस पंचायत का अपडेट किया गया है रोहतास जिला से। और ये देखिए जो पंचायत है यहाँ पे सदोखर पंचायत, उघनी पंचायत, मल्हीपुर पंचायत, चेनारी, देवत और पेंडी पंचायत का अपडेट यहाँ पे किया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे वेरियस पंचायत का और भी अपडेट है यहाँ पे रोहतास जिला से। देखिए वेरियस पंचायत नहीं, वेरियस नियोजन इकाइयों का अपडेट है, इसमें आपको सासाराम ब्लॉक का अपडेट है, आप इसे देख लीजिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 करके शायद होगा। फिर बोखरी पंचायत, नगर पंचायत नोखा का है, नगर पंचायत नासरीगंज, फिर शिवसागर ब्लॉक का भी अपडेट है, ओके, मोकर पंचायत का अपडेट है, अमीर धौदाहा मुरादाबाद पंचायत का भी अपडेट है, अमरथा पंचायत और करसेरुआ पंचायत का अपडेट किया गया है। रोहतास जिला से भी आज बहुत सारा अपडेट आया हुआ है। बात करें अगले जिला की, तो अगला जो अपडेट है सहरसा से है, और सहरसा जिला में 19 सितंबर के डेट में यहाँ पे देखिए ये जो अपडेट है नगर परिषद समस्तीपुर से है, और ये पीडीएफ रहा, आप इसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो समस्तीपुर में जो महाथी उत्तर जो पंचायत पड़ता है विभूतिपुर ब्लॉक में उसका अपडेट किया गया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं,
ओके। और नगर परिषद समस्तीपुर का भी अपडेट आ चुका है। बात करें अगले जिला की, तो अगला जो जिला है यहाँ पे शिवहर जिला है। देखिए ये शिवहर जिला से अपडेट है अगला, और शिवहर जिला में आएगा तो 19 सितंबर यानी आज के डेट में ये अपडेट है। वेरियस नियोजन इकाइयों का अपडेट किया गया शिवहर जिला से, ओके। आज के डेट में और 18 सितंबर के डेट में भी अपडेट आया हुआ था, तो उसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ताजपुर जो पंचायत है शिवहर जिला में, उसका अपडेट यहाँ पे किया गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे हिरौथा डुम्मा पंचायत का अपडेट है, ओके। मीनापुर बलहा पंचायत का अपडेट है, यहाँ पे माली पोखर भिंडा का अपडेट है, बराही जगदीश का अपडेट है, खुरपाटी का अपडेट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पंचायत लेवल के नियोजन इकाइयों का अपडेट है, डीएलएड बीएड करके दिया हुआ है शायद, यहाँ पे डीएलएड का ही दिया गया है ओनली। तो आप देख लीजिएगा क्या कुछ है, मैं ओपन करके अभी चेकआउट नहीं किया हूँ। बात करें अगले जिला की, तो अगला जो अपडेट है यहाँ पे सिवान जिला से है। यहाँ पे नीचे में आएगा तो सिवान जिला आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये है सिवान जिला, यहाँ पे सिवान जिला है, और नीचे में आपको जो है बहुत सारे जो ब्लॉक है उनके अंडर में जो पंचायतें पड़ता है उसका अपडेट जो है मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। देखिए भगवानपुर जो हाट ब्लॉक है उसके अंडर का जो पंचायतें हैं उनको मैं यहाँ पे जो है रीअरेंज कर दिया हूँ, और आपको अलग अलग ब्लॉक वाइज सभी पंचायतों का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दरौरी ब्लॉक के अंडर में जो भी पंचायतें हैं उनका अपडेट है, कुछ पंचायतें का बाकी है, तो अपडेट आने के बाद में मैं डेट के साथ में मेंशन कर दूंगा। फिर यहाँ पर आगे बात करें तो दरभंगा ब्लॉक है, फिर यहाँ पर गोरियाकोठी ब्लॉक, फिर नीचे में आइएगा तो आपको सिसवन ब्लॉक है, फिर और आगे नीचे जाइएगा तो सिवान सदर ब्लॉक है। सिवान सदर के बाद में तो सिवान सदर तक का अपडेट यहाँ पे है, और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं डेट वाइज वहाँ पे मेंशन करते जाऊँगा, ओके। बात करें अगले जिला की, तो अगला जो अपडेट है यहाँ पे सुपौल से कोई अपडेट नहीं है, वैशाली जिला से अगला अपडेट है। यहाँ पे वैशाली जिला है, देखिए यहाँ पे है वैशाली जिला, और वैशाली जिला में आज के डेट में यानी 19 सितंबर के डेट में ये अपडेट है। देखिए यहाँ पे वेरियस ब्लॉक लेवल के नियोजन इकाइयों का अपडेट है वैशाली से, जैसे कि पातेपुर ब्लॉक हो गया, फिर आपको पटेधी बेलसर जो ब्लॉक है उसका अपडेट है, और देसरी ब्लॉक, तीन ब्लॉक का अपडेट है, पातेपुर पटेधी बेलसर और देसरी, ये तीन ब्लॉक का अपडेट आया हुआ है वैशाली जिला से। बात करें आज के लास्ट जिला की, तो ये है वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण जिला, ओके। और यहाँ पर आएगा तो देखिए यहाँ पर 19 सितंबर के डेट में जो अपडेट है, एक अपडेट है यहाँ पे प्रखंड चनपटिया का अपडेट है। तो ये आपको देखिए ये सभी पीडीएफ रहा, सॉरी प्रखंड चनपटिया के अंडर में जो वेरियस पंचायत है अलग अलग पंचायतों का अपडेट है, 1 2 3 4 5 6 पंचायतों का अपडेट है चनपटिया प्रखंड का। तो ये रहा आपको टोटल 21 जिलों की रिगार्डिंग 19 सितंबर के डेट का अपडेट, ओके। और आज के डेट में मैंने कोशिश किया है कि आपको जो है अच्छे से डिटेल वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ, तो सो मैं ऑलमोस्ट सभी नियोजन इकाइयों का नाम भी आपको बता दिया हूँ कि किस किस का अपडेट आया हुआ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं ताकि अन्य अभ्यर्थी को भी इसका लाभ पहुँच सके। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।